नदीम अहमद ने जैनूर फसाद में मुलविस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने निज़ामाबाद कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। आसिफाबाद के टाउन जैनूर में गुज़िश्ता दिनों गुंडा अनासिर की जानिब से मुसलमानों के इमलाक को मनसूबाबंद तरीके से तबाह बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद के जरिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को नदीम अहमद सदर हेल्प एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद ने एक तफसीली याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में बताया गया कि फ़िरका परस्तों ने अक़लियती तबक़ात के अफराद की दुकानात और मकानात को बड़े पैमाने पर नज़र आतिश कर दिया और मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल किया, जो कि काबिल मज़म्मत है। याददाश्त में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया गया कि वो जैनूर फसाद में मुलविस तमाम मुलज़िमीन की गिरफ़्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आज निज़ामाबाद के ज़िला कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया कि जैनूर मंडल और आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हादसा हुआ है, यानी कि जो शर पसंद अनासिर जो मुसलमानों के दुकानों को और घरों को और मस्जिदों को जो नुकसान पहुंचाए हैं, उसके ज़िमन में आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को एक इनवाइट में मिलकर उनको दरख्वास्त दिया गया कि वहाँ पे आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई मुसलमानों के दुकानों को जला दिया गया और घरों को नुकसान किया गया, मस्जिदों को नुकसान किया गया, अल्लाह के घरों को नुकसान किया गया और वहाँ पे हुकूमत आज तक कोई मुआवजा अभी तक ऐलान नहीं करी। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि असम्बली इंतखाबात में हर मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है ताकि वो बढ़ चढ़ कर हर इमदाद कर सके बोले, मगर आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत अभी तक 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ इमदाद की, अभी तक कोई मिनिस्टर साहब के तरफ से कोई इमदाद की अपील अभी तक नहीं आई। दरख्वास्त दें ताकि एक मैसेज CM तक पहुंचे कि मुसलमान अगर एक हो गए तो कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा हम कलेक्टर साहब को यही बताएं और ये जल्द से जल्द जो भी होगा हम हुकूमत कलेक्टर के ज़रिए निज़ामाबाद के हुकूमत के CM जो रेवंत रेड्डी साहब को ये मैसेज पहुँचाओ बोल के हम ये लेटर वहाँ फॉरवर्ड करो बोल के भी लिखे। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्सगा 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़रे कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलाहिदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफिक असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म, सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एस्सार पेट्रोल पम्प, वट्टापल्ली, हैदराबाद।